आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश के पहले आपदा प्रबंधन की बात कही जाती है प्रशासन के द्वारा हर साल नगर सैनिकों को आपदा प्रबंधन के लिए कुछ प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इस दौरान होमगार्ड के जवान आप देखिए यहाँ दलसागर तालाब में दिख रहे हैं। इन जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से वे अगर कहीं बाढ़ आती है तो राहत और बचाव का काम किस तरह से कर पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सीनियर ब्यूरो अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। इसके पहले पूर्ववर्ती सालों में इस तरह के प्रशिक्षणों का आयोजन बबरिया तालाब में किया जाता रहा है, दलसागर तालाब में भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। दलसागर तालाब में नगर सेना अर्थात होमगार्ड के जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाइफ जैकेट्स पहनाई गई हैं, मोटर बोट भी उनके पास है और कहीं आपदा की स्थिति अगर आती है तो उन्हें किस तरह से काम करना है, उन्हें किस तरह से राहत और बचाव के काम करने हैं, इस बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर सेना के जवानों को प्रशिक्षण तो दिया जाता है, पर पिछले साल जिस तरह से डूबने के मामले सामने आए थे, लोग कालकल्वित भी हुए थे, उसे देखकर ये इस तरीके के प्रशिक्षण अगर औपचारिक इन्हें माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपदा प्रबंधन के नाम पर सिर्फ यही प्रशिक्षण सिवनी जिले में सालों से चलता आया है। सिवनी में इसके अलावा कभी भी मॉक ड्रिल नहीं की गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मोटर बोट के जरिए जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्हें बताया जा रहा है, मोटर बोट में बिठाल कर दलसागर तालाब के अंदर ले जाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें अगर कोई बीच में इस तरीके का कोई व्यक्ति मिलता है जिसे जो ये कहा जाए कि कहीं डूब रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए उन्हें किस तरीके के राहत बचाव कार्य करने हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ मोटर बोट के जरिए ये लाइफ जैकेट्स जो पड़ी हुई हैं, लाइफ जैकेट्स को शायद कलेक्ट किया जा रहा है। ये लाइफ जैकेट ये शायद प्रदर्शित कर रही हैं कि वहाँ कोई व्यक्ति है जो जिसे उन्हें बचाना है। ये इसमें मोटर बोट में से देखिए दो जवान कूदे और ये कूद कर वहाँ किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक जवान और ने और छलांग लगाई और ये लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं और ये सारे के सारे ये तीन जवान आप देखिए ये पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें किस तरीके से निर्देशित किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो इन्हें किस तरह से राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देना है, किस तरह से इन्हें लोगों को बचाना है, लोगों की रक्षा सुरक्षा करनी है। वैसे पिछले साल बाढ़ का पानी कुछ जगहों पर पहुंचा, लोग घरों में कैद हो गए थे, तब नगर सेना के जवानों ने ही उन्हें जाकर बचाया था। नगर सेना के जवान आपदा की स्थिति में काफ़ी हद तक कारगर साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं। इनके द्वारा आपदा की स्थिति में आगे आकर स्थितियों को संभाला जाता है। ये आप देखिए किनारे पर, दलसागर के किनारे पर जो
प्रशिक्षक खड़े हुए हैं, वे बाकायदा इन पर नज़र रखे हुए हैं कि ये किस तरीके से प्रशिक्षण ले रहे हैं, किस तरीके से इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें शनिवार 6 जून 2020 का ये नज़ारा है। शनिवार को सुबह सुबह ये देखिए, एक जवान ने और छलांग लगाई और वे भी दलसागर तालाब में तैरते हुए किनारे की ओर आ रहे हैं। इन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर कभी आपदा की स्थिति आती है तो इन्हें किस तरीके का काम करना है। बारिश आने को है, ये देखिए आप, अब ये 4 जवान तैरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये पानी में तैर रहे हैं। आपदा की स्थिति के से दो चार होने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। ये आप देखिए, जवान तैरते हुए किनारे पहुंच रहे हैं। वैसे जिला प्रशासन को चाहिए आपदा नियंत्रण के लिए जो प्रभाग बना हुआ है, उन्हें चाहिए कि इस तरीके की आपदा के लिए मॉक ड्रिल का किया जाना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में जिस तरीके से अन्य विभाग मॉक ड्रिल किया करते हैं, सिवनी में तो इस तरीके की मॉक ड्रिल होती दिखती नहीं है, चाहे वो अग्निशमन वाहन का हो या किसी भी अन्य चीज़ों का। मॉक ड्रिल कहीं पर भी होती नहीं दिखती है। जिले के अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, चाहे वे जिला पुलिस अधीक्षक हों या जिलाधिकारी स्वयं हों, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, जिलाधिकारी राहुल हरिदास फटिंग, इन्हें चाहिए कि ये अग्निशमन सेवाएं पुलिस सहायता के लिए डायल 100 या कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाकर ये कम से कम ये देखें, या एम्बुलेंस के लिए जो 108 है उसमें डायल करके वे खुद किसी दीगर नंबर से फ़ोन लगाकर, किसी अनजान नंबर से फ़ोन लगाकर ये ज़रूर देखें कि रिस्पांस टाइम कितना है, अर्थात कितनी घंटी बजने के उपरांत यहाँ फ़ोन उठाया जाता है। अगर आपदा की स्थिति में, वैसे माना जाता है कि सेकंड्स का समय भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और अगर फ़ोन ही एक बार पूरी घंटी जाने के बाद दूसरी बार उठता है या काफ़ी विलंब से उठता है तो आपदा या कहीं दुर्घटना या किसी बीमारी की स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। याद नहीं पड़ता कि सालों से कभी इस तरीके की मॉक ड्रिल की गई हो या कंट्रोल रूम डायल 100 108 जो एम्बुलेंस का है, अग्निशमन वाहन के लिए फ़ोन करने पर कभी रिस्पांस टाइम चेक नहीं किया गया, उसे देखा नहीं गया है। ये आप देखिए, ये दलसागर तालाब में आपदा नियंत्रण के लिए पहले, बारिश आने के पहले आपदा नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है प्रशिक्षकों के द्वारा। पानी में किस तरीके से लोगों को बचाना है, राहत बचाव कार्य करने हैं, इस बारे में नगर सेना के जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये शनिवार 6 जून 2020 का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। शनिवार 6 जून 2020 को सुबह सवेरे ये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें एक बात और निकल कर सामने आती है कि जवानों का स्टेमिना कितना है, वे कितनी दूर तक तैर सकते हैं, इसका आकलन भी प्रशिक्षक करते हैं और उन्हें नियमित अभ्यास इसका कराए जाने की बहुत ज़रूरत है। किनारे आप देखिए, प्रशिक्षण जो ले रहे हैं वे तैयार बैठे हुए हैं, कब उनकी बारी आएगी और कब वे जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस तरीके के प्रशिक्षणों का आयोजन, वैसे अगर नगर सेना के साथ साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के स्काउट्स के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी इस तरीके के प्रशिक्षण देकर स्टैंड बाय में तैयार रखने की कवायद अगर की जाए तो ये बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सिवनी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, हम पल पल से आप पल पल की घटनाओं से आपको अपडेट रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको, ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।